आप देख रहे हैं कारगिल नामा लद्दाख की अपनी आवाज। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कारगिल नामी चोक्सनांग हाबिल सागर यहाँ राष्ट्रपति यंतिदुल्ला हाजिर। स्पोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन संघ को कारगिल चोक्सना दिरिगमेनी स्टेडियम संघ क्रिकेट टूर्नामेंट ने फाइनल मैची मलखियों मसों गावियां दासा पर तस्वीर नजर ने कतो शाहिद जुल्फिकार उम्बी टीम पुना गोल्डन गाइस कनोरी टीम पुस खागले स्पिन यंग गोल्डन गाइस कनोरीस विकेट चूज गेले दिमेश पु खुंती लगानु खेल बसों दीतुक स्पीका मेहमान है खुसूसी एजुक्सियत पिन लद्दाख टर्नमिसिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिली एग्जीक्यूटिव काउंसिलर काचू मोहम्मद फेरोज यंग देव नंगम्बो यंबो काउंसिलर लंकर से गुलाम हैदर काउंसिलर तसरू मोहम्मद हादी जुक्सेत पिजगटी काउंसिलर काचू मोहम्मद फिरोज इज मीडिया नगरागन चिजर बसों की चिंगेन गेन शोस्मा बसे संक्वेन कुशी क्राइज होतं दुनिका लजबेत जरे जरेन दोनयां वो काचू मोहम्मद फिरोज इज दो हजार बसों जिन की यूं मत पी जक चिंगिस पियानु एग्जीक्यूटिव काउंसिलर काचू मोहम्मद फिरोज इज संक्वे विजिट चिक बेत जरे जरेन दोनयां वो अंगनी प्रोपोन लेजन चतबोस ये जो खुदानर सामोनी फगरें आज की इस फाइनल मैच के रनर अप टीम के कप्तान शहीद जुल्फिकार उंडाकर की वो यहाँ पे आए और हमारे आज के गेस्ट अदोना जनाब मिस्टर अब्दुल हादी के हाथों से अपना इनाम ले लें। शहीद जुल्फिकार उंडा जो कि आज इस फाइनल मैच का रनर अप टीम रहे। कैप्टन से गुजारिश है कि यहाँ पे थोड़ा तस्वीर में देखिए, आज स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन जो यहाँ का है, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था ये क्रिकेट मैच। तो पर्टिकुलरली बच्चों का जो इंथुजियाज़म देखा है मैंने, जो जोश देखा, जो जज्बा देखा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ऑर्गेनाइजेशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस तरह के इवेंट ये लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और साथ में ही अभी जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया यहाँ पर, बच्चों के अंदर में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं, लेकिन जो करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को वो ये है कि इनको सपोर्ट किया जाए, प्रॉपर सपोर्ट किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में भी अगर इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स की बात हो तो वहाँ पे होनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने की भी ज़रूरत है कि इन बच्चों को कहाँ तक जाना है स्पोर्ट्स के अंदर में। स्पोर्ट्स ख़ुद एक आज के दिन में अगर आप देखें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है स्पोर्ट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। स्पोर्ट्स ख़ुद एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बन चुका है, तो उसको हम सामने रखते हुए हमारे बच्चों को इनक्रेज करनी चाहिए, इनको अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए, प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए, ताकि ये लोग पार्टिसिपेट करके सिर्फ अपने ज़िंदगी को ही नहीं बल्कि अपने कौम को भी आगे ले जाए। साहब, जिस तरह से आपसे पानी की हम बात करें, सर पूरे संघ को आप खुद देख सकते हैं कि पानी की कितना किल्लत है, तो इसको लेके किस तरह की आप तरफ से? यकीनन ये कई दिनों से संघों के जो इश्यूज़ है मेरे सामने आया हुआ है, तो कई बार मैंने मीटिंग्स भी रखा था एक्सन और ए डब्ल्यूज़ और जेईज को लाके, और उनको कुछ जगहों पे हमने विज़िट करने के लिए भी कहा था, कुछ काम करने कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अभी उस स्पीड पे नहीं हो पा रहा। अभी तक मैंने ये सुना था कि कलामरपो साइड में एसवीडी ने जो उनका ब्रिज था वो वहाँ से हटाया था, तो उसको रीलॉन्च तो करवाया, लेकिन अभी भी काम का जो स्पीड है बहुत कम है। तो मैं चाहूँगा कि वो स्पीड अप हो जाए और बाकी इश्यूज़ को हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने के लिए दो चार रोज़ में मैं खुद विज़िट करूँगा। इस ग्राउंड को अभी जो मैंने देखा, तो अभी ग्राउंड का ही अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो पानी का अगर कोई किल्लत है जो अभी मैं आपने बताया मुझे, तो मैं डिपार्टमेंट से कह के इमीडिएटली यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑर्डर दे दूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।